तो हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप जरूर देखा करिए, इससे आपको पक्का मदद मिलेगी। आते हैं पहले प्रश्न पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जानेंगे। 25 जनवरी को जो कि मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छी साफ सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने हेतु मतदान के लिए जागरूक करना है। 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस भी है और इस दिन को पहली बार 2011 में मनाया गया था ताकि युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम आप याद रखिएगा, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया था। भारत सरकार के द्वारा पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। दीपिका पादुकोण लिव लव लाइफ नामक एक फाउंडेशन चलाती हैं जिसके द्वारा स्कूलों में जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब बने हैं। तो लेबनान को याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित हैं। लेबनान में प्रधानमंत्री हसन दियाब के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया। याद रखें, पिछले वर्ष भ्रष्टाचार और अप्रबंधन के कारण लेबनान में भारी प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में लेबनान के राष्ट्रपति मिचेल ओन ने हसन दियाबी को प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। ये इसके पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु हो जाने पर अथवा शारीरिक अक्षमता की स्थिति में किसान को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 70 साल तक के किसानों को कवर किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो ने ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में इसरो ने व्योमित्र नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा व्योमित्र, इसका नाम याद रखिएगा, व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया था। यह रोबोट इंसानों की तरह बातें करती है। इसे गगनयान को लॉन्च करने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह रोबोट टेस्ट फ्लाइट के दौरान इंसानी कार्य का नकल करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कौन सी पोजीशन है? 22 जनवरी 2020 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ष 2019 के लिए लोकतंत्र सूचकांक जारी किया और इसमें नॉर्वे को पहला स्थान मिला है, आइसलैंड दूसरा और स्वीडन तीसरे पर है। इसमें भारत का जो है 51वां स्थान है। ये भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र 51वें नंबर पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद भी भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत है 51वां और नॉर्वे है प्रथम, ये दोनों याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना बताया है? याद रखिएगा कि इसके पहले अनुमानित 6.1% था, लेकिन अब उसको घटाकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4.8% भारत की विकास दर को अनुमानित किया है। तो याद रहे, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.8% रहने का अनुमान जताया है। तो यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और जो भी लोग पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।